हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश आप सबका जीएससी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे टेलीगंस थ्योरम। ठीक, हम लोग देखते हैं टेलीगंस थ्योरम इनका स्टेटमेंट क्या है और इसको हम लोग प्रूव करेंगे, इसकी लिमिटेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं इनका स्टेटमेंट लिखते हैं। हम लोग क्या कहते हैं टेलीगंस थ्योरम, इनके अनुसार क्या कहते हैं, कहते हैं किसी भी सर्किट, अब ये सर्किट हमारा क्या हो, लीनियर हो और नॉन लीनियर हो, यूनिडायरेक्शनल हो, या फिर बाई डायरेक्शनल हो, या हम लोग कहें ये टाइम वेरिएंट हो, या अथवा कहें टाइम इनवेरिएंट हो, यानी ये किसी भी प्रकार का हमारा सर्किट हो, कह रहे हैं या नेटवर्क हो, कह रहे हैं लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, या कह रहे हैं यूनिडायरेक्शनल हो या बाई डायरेक्शनल हो, टाइम वेरिएंट हो या टाइम इनवेरिएंट हो, किसी भी प्रकार का हमारा सर्किट हो या नेटवर्क हो, तो इसमें किसी भी क्षण, किसी भी इंस्टेंट बोला हिंदी बुक इंग्लिश में, किसी भी इंस्टेंट पावर का अलजेब्रिक सम, इस बीजगणितीय योग, क्या होगा, वो जीरो होगा। करें कि वो जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स हम लोग कहें, एक दूसरे वर्ड में कहें तो डिलीवर की गई पावर इक्वल टू एब्जॉर्ब की गई पावर। अदर वर्ड में हम लोग कहें तार अथवा करके कहें, अदर वर्ड कहें हम लोग तो कहेंगे डिलीवर पावर इक्वल टू एब्जॉर्ब पावर, यानी दी गई पावर तथा खपत की गई, मीन्स खाई गई पावर बराबर होगा, मीन्स ठीक ठीक। और इसका हम लोग जो आज इनका जो इक्वेशन लिखेंगे, इसको हमारा होता है, कहते हैं हम लोग सिग्मा के इक्वल टू, कहते हैं यहाँ पे एन, और यहाँ पे के इक्वल टू कहते हैं वन, कहते हैं वी के इंटू आई के इक्वल टू क्या, जीरो। तो ये हमारा क्या कहते हैं, हमारा ये जीरो, ठीक, इनका ये सॉरी इनका टेलीगंस थ्योरम का क्या होता है, ये हमारा स्टेटमेंट होता है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते हैं कि कैसे इनका कहना सत्य था, किस पॉइंट पे, कैसे बेस पे, किस बेस पे है, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, प्रूफ करते हैं, मानते हैं एज ए सपोज कोई इन्होंने सर्किट, कोई हमें सर्किट दे दिया है, एज ए क्वेश्चन कहें हम लोग, कोई हमें सर्किट दिया हमारे पास, मानते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से सर्किट दिया है, ठीक, इस तरह से हमारे पास सर्किट दिया है, जो हमारा ये वोल्टेज है, वोल्टेज मान लेते हैं हम लोग कितने का, 15 वोल्टेज वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये हमारा क्या है, ये वाला 5 ओम है, ठीक। और हम लोग कहते हैं ये वाला रेजिस्टेंस हमारा कितना है, ये मानते हैं 10 ओम है, इसको भी मानते हैं हमारा ये कितना है, ये भी कितना है हमारा 10 ओम है।
तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते, तो हम लोग नोडल से नोडल लगाते, नोडल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग क्या नोडल सॉरी इसको पहले एक बार रहने देते, हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या कह रहे हैं कि इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि इसमें देखना है किसी भी क्षण हर पॉइंट जो पावर ली जा रही है तथा पावर जो मतलब जो दी जा रही है तथा एब्जॉर्व की जा रही है उसका सम जो है एवरेज सम होगा वो हमारा जीरो होता है कि नहीं होता, क्या होता है उसको हम लोग यहीं पे प्रूफ करेंगे। ये हमारा सर इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, सर्किट दे रखा है, इसमें हम लोग टेलीकॉन थ्योरम को क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं इसको सॉल्व करने हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कहते हैं हमारा क्या होगा, यहाँ से हम लोग इसको पहले इसमें लगाते हैं नोडल, ठीक, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं नोडल, नोडल से हम लोग करेंगे तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा नोड मान लेते हैं, ठीक, ये हमारा वोल्टेज भी मान लेते हैं, यहाँ से हमारे इसको क्या करते हैं तो ग्राउंड कर देते हैं, ठीक, यहाँ से हम मानते हैं हमारा कितना 15 वोल्ट दिया था, ये हमारा 5 ओम था, ठीक, ये हमारा कितना 10 ओम है, ये भी हमारा कितना है 10 ओम है, ठीक, हम लोग मानते हैं इसमें जो करंट हमारी इधर से हो रही है इधर फ्लो रही है, इसमें इस डायरेक्शन फ्लो रही है, इसमें हम लोग करंट डायरेक्शन इसमें मान लेते हैं इस डायरेक्शन फ्लो रही है, इसमें कह देते हैं हमारी करंट इस डायरेक्शन फ्लो रही है, ठीक। अब हम लोग क्या कहते हैं ये हमारी आई वन करंट है मानते हैं, ये हमारी आई टू करंट है और ये हमारी क्या है आई थ्री करंट है, ठीक, हम लोग अपने करंट को मान लिए। अब हम लोग लगाएंगे कि केसीएल के नियम से कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट इक्वल टू कर जंक्शन से दूर जाने वाली करंट, तो हमारे जंक्शन ये हमारा जंक्शन पॉइंट है तो इससे हमारी आई वन और आई टू जा रही हैं जंक्शन की तरफ तथा हमारा आई थ्री जंक्शन से दूर जा रही है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हम लोग कहते क्या यहाँ से हम लोग लिख देते क्या आई वन प्लस आई टू इक्वल टू क्या हमारा आई थ्री, वही मतलब जंक्शन की तरफ आने वाली करंट तथा जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। तो यहाँ पर हम लोग का I1 की वैल्यू लिखते हैं, तो हमारा I1 हमारे करंट इधर से जा रहा है उधर, मतलब हमारा जो 15 वोल्ट वाला है वो हमारा ज़्यादा है किसी भी वाले से, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 15 माइनस भी अपान इसका जो रेजिस्टेंस हमारा कितना है 5 है, ठीक, प्लस हम लोग करते हैं यहाँ पे I2 की बात करते हैं, तो I2 हमारा इधर हमारी करंट कहाँ से जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है यानी हमारा जीरो से भी की तरफ जा रही है, तो हम लोग लिखते हैं जहाँ जीरो माइनस भी अपान इसका रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम इक्वल टू हम लोग आई थ्री, आई थ्री की वैल्यू हमारे क्या कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है मीन्स भी से जीरो ग्राउंड की तरफ आ रही है, मतलब हमारा क्या होगा यहाँ पे जो वोल्ट विभवांतर होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी माइनस जीरो अपान क्या होगा अपान इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 10 होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारा आएगा थोड़ा शॉर्ट करके हम लोग सॉल्व करते चलते, तो यहाँ से हम लोग इसको तोड़ देंगे तो ये आ गया यहाँ पे थ्री हो जाएगा फिर माइनस भी अपान 5 हो जाएगा, ठीक, प्लस हमारा होगा ये माइनस क्या होगा भी अपान 10 होगा, फिर इधर इक्वल क्या होगा इक्वल हमारा इधर क्या होगा भी अपान 10 होगा ना, इस तरह से होगा। तो हम लोग ये कहते हैं इसको हम क्या एक तरह से कहें भी वाले को एक तरफ कर लें बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ कर लें, इधर थ्री वाले को कर लेते हैं हम लोग, इधर थ्री वाले को कर देते हैं बाकी वैल्यू को हम लोग ले जाते हैं उधर, तो कहते हैं यहाँ पे हमारा पहले से भी बाई 10 था इधर इसको वाले ले जाएंगे भी प्लस हो जाएगा भी बाई 5, फिर इसको वाले को भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भी अपान क्या होगा 10 हो जाएगा। इनका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 10 तो 10 का भाग देंगे 1 आएगा तो यानी भी प्लस ये होगा 2 भी प्लस क्या होगा भी, ठीक, तो हमारा यहाँ से निकल के आया क्या इधर हमारा 3 है तो हम लोग यहाँ 3 गुणा कर देते हैं हमारा क्या कितना 30 हो जाएगा, इधर हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा ना 4 भी, तो हम लोग का जो भी इक्वल टू निकल के आएगा क्या 30/4 यानी कितना निकल के आया 7.5 वोल्ट 7.5 कितना आया 5 वोल्ट आया, ठीक, 7.5 वोल्ट भी निकल के आ गया हम लोग का भी हमारा कितना आ गया 7.5 वोल्ट आ गया। अब यही भी की वैल्यू हम लोग यहाँ रख के आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, तो आई वन इक्वल टू हमारा क्या है भी 15 माइनस यहाँ भी की वैल्यू कितना आई है 7.5 आई है तो अपन कितना 5, ठीक, तो ये हमारा कितना आएगा तो ये भी 7.5 बचेगा, फिर से 7.5/5 आएगा हमारा तो 5×5 होगा तो 2 बचेगा तो 25 ये इतना आएगा एम्पियर 1.5 एम्पियर, ठीक, जो हमारी आई टू होगी आई टू हमारी कितना होगी आई टू हम लोग की क्या है आई टू हमारा क्या है 0 माइनस
वी की वैल्यू कितना है हमारा 7.5, अपान कितना हम लोग का 10 है, तो ये कितना हमारा I2 हो गया 0.75, ये निगेटिव साइन के साथ है, ठीक एम्पियर। ये हमारी क्या हो गई I2 हो गई। हम लोग निकालेंगे किसकी I3 की वैल्यू, I3 की वैल्यू कितना हमारा V-10, तो V की वैल्यू कितना है 7.5 अपान 10, 10 मतलब 10, यानी हमारा ये भी हो गया कितना 0.75। ये भी हमारी कितना होगा 0.75 एम्पियर। हम लोग देख लिए इसमें हमारी क्या हो गई करंट पता चल गई ना, हमारी I1 I2 I2 हम लोग करंट में निकाल लिए। तो हमारा जो पावर होता है पावर लॉस होता है क्या होता है आई स्क्वायर आर, पावर हमारा लॉस क्या होता है आई स्क्वायर आर। तो हमारा I1 की वैल्यू हम लोग देखें याद कर ले एक बार, तो I1 हमारा है 1.5 एम्पियर, I2 हमारा है -0.75 एम्पियर, I3 हमारा है 0.75 एम्पियर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे जो इसमें करंट हमारी फ्लो हो रही है, इससे जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, ठीक, तो इससे जो हमारी करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे देखेंगे यहाँ से जाके हमारे दो भागों में बट रही है, किधर आएगी किधर आएगी, तो यानी हमारे यहाँ से कितनी करंट चली है, यहाँ से हमारी चली 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होना शुरू करी है, यहाँ तक गई है, यहाँ किस में बदल गई 0.75 में, और यहाँ भी जो गई वो भी गई कितना 0.75 एम्पियर गई, ठीक। तो हम लोग देखेंगे इस करंट का इसमें कितना हमारा क्या हुआ है, इसमें कितना पावर लॉस हुआ, फिर देखेंगे इसमें कितना पावर लॉस हुआ, फिर इसमें कितना सर्किट पावर लॉस हुआ, हम लोग एक एक करके पावर लॉस निकालेंगे, ठीक। तो हमारा रेस्टेंट 5, 10, ठीक, हम कहेंगे कि हम लोग की 5 ओम के रेजिस्टेंस में पावर लॉस हमारा, तो हमारा क्या होगा इसमें 5 एम से हमारी I1 करंट है, तो क्या होगा आई स्क्वायर आर से, तो हमारा I1 की वैल्यू कितना थी 1.5 थी, इसका होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी थी 5, तो ये हमारा कितना 15 देना, तो 225 2.25 इंटू क्या होगा 5, यहाँ से निकल के हमारा कितना आएगा 5 5 5 25 और 5 10 2 12 2 हाथ 5 10 2 12 10 2 11, ठीक, 2 अंक पे, तो यहाँ से 11.5 वाट आई, ये इसमें पावर लॉस हो गई। हम लोग कहते हैं अब वही कहते हैं हम लोग कितना पावर लॉस जो हमारा 10 एम्पियर 10 ओम वाला है 10 ओम के रेजिस्टेंस में पावर लॉस ये वाला जो है हमारा जो ये वाला है, अब इसमें हम लोग देखेंगे पावर लॉस कितना हो रहा है, ठीक। इसमें हमारी करंट कितनी फ्लो हो रही है I3 वाली है, तो इसमें भी हमारा हम लोग कहेंगे इसमें जो हमारा होगा पावर लॉस जो होगा पीएल पावर लॉस जो हमारा होगा I3 स्क्वायर आर से, I3 की वैल्यू हमारी 0.5 थी, इसका होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी थी 10 थी। तो हम लोग इसको करते लंबा कैलकुलेशन हो गया है, तो हमारा क्या होता है 7.5 × 7.5 5 5 25 5 7 5 7 35 2 37 और इधर 7 5 35 5 7 3 7 7 49 3 52, ठीक है 5 7 5 12 2 1 5 1 6 1 5 तो 56 25, तो 4 अंक पर दशमलव लगता है, तो हो जाता है 0.5625 वाट, सॉरी इंटू 10 रहेगा हमारा, इंटू 10 है तो हमारा ये हो जाएगा कितना 1 अंक 5.625 वाट, ठीक। ये इसमें हमारी पावर लॉस हो गई, ठीक। अब हम लोग कहेंगे जो अलग एक बचा और यानी ये वाला सर्किट ये वाला, इसमें हम लोग पावर लॉस निकालेंगे, इसमें भी हमारा पावर लॉस कितना देखेंगे हम लोग है, इसमें भी वही होगा, फिर दूसरा दोबारा भी हमारा है 10 ओम के रेजिस्टेंस में पावर लॉस,
ठीक, तो हमारा क्या होगा आई टू स्क्वायर आर, यानी ये वाला इसमें हमारी करंट आई टू थी ना, इसमें हम लोग करंट हमारी ये वाला यानी हम लोग यहाँ आई टू लिए थे, ये हमारा आई टू है, तो इसमें हम लोग पावर लॉस देख रहे हैं। तो हमारा आई टू की वैल्यू भी कितना है 7.5 का होल स्क्वायर इंटू आर, तो हमारा इसकी वैल्यू यही आएगी सेम टू सेम है तो 5.625 वाट, ये भी हो गया। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं टोटल पावर लॉस निकालते हैं, हम लोग कहते हैं कि टोटल पावर लॉस देखते हैं, टोटल पावर लॉस में इसमें जो हुई उसमें जो हुई और इसमें जो हुई, हम लोग कहते हैं टोटल पावर लॉस हमारा जो होगा इसमें कितना हमारा पहले वाले में हुआ था 11.5 सॉरी 12 लिख दिया हम, ग्यारह दशमलव पाँच वाट था, दूसरे वाले में हमारा कितना है 5.625 वाट, दूसरे वाले तीसरे वाले में भी वही था 5.625 वाट। ठीक, अब इनको हम लोग जोड़ते तो कितना होगा, ये हमारा जोड़े तो हम लोग 11.5 प्लस 6.625, ये 5 5 10 हो जाता है, और फिर ये 12.25। ठीक, और ये हमारा 11.5, तो इसको जोड़ ही लेते हैं 5.625 फिर 5.625, ये 5 5 10 0 आते हैं, एक आ गया 4 1 5। ठीक, ये 6 6 12 2 आते हैं एक, ये 5 5 10 1 11। ठीक, हमारा 3 अंक पे दशमलव था, 3 अंक पे दशमलव लगा दिए 11.25। ठीक, 11.25 था तो हमारा 11.5 था प्लस हमारा क्या आ गया 11.25 आ गया, टोटल हमारी क्या हो गई 11.2275 वाट की हमारी पावर क्या हो गई है एब्जॉर्ब हुई है, मीन्स ये लॉस हुआ है, इतनी पावर हमारी क्या हुई है एब्जॉर्ब हुई है। अब हम लोग देखेंगे सोर्स द्वारा डिलीवर कितनी पावर थी, तो हम द्वारा डिलीवर पावर मतलब जो हमारा वोल्टेज सोर्स था और जो इसमें करंट थी। ठीक, फिर हमारा हम लोग निकालेंगे सोर्स द्वारा डिलीवर्ड पावर। ठीक, डिलीवर पावर तो हमारा कहते हैं पी इक्वल टू हमारा क्या होता है, हम लोग कहते हैं पी इक्वल टू हमारा क्या होता है वी आई, तो हम लोग कहते हैं सोर्स हमारा वी का वैल्यू कितना है 15 है, आई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1.5, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं गुणा करते हैं 15 25 75 की 5 आते हैं या 5 7, तो 15 का 15 7 22, ये भी कितना आ गया हमारा 15 25 75 की 5 हाथे आए कितना 7, फिर हम लोग कहते 15 का 15 7 22। ठीक, 22.5, और इधर हम लोग को कितना आया था 22.75, कहीं गलती हुई क्या 22.5 22.75, और यहाँ पे 5 15 0 आता है 4 1 5 6 2 12 2 10 5 2 10 5 2 10 1 11। ठीक, 11.25, और हम लोग का इधर का जो आया है तो 15 25 75 5 आते हैं 5 7 15 का 15 7 22। ठीक, बोले 1.5 तो 5 25 5 आते हैं 2 5 5 7 5 1 5 और 1 1 1 तो 5 5 12 2 यहाँ पे है 5 1 5 यहाँ 5 हो गया, ये 5 1 5 5 5 25 5 आते 5 5 2 7 1 5 5 हथिया 1 यह 1 1 1 2। ठीक, 2 हो गया, 1.1 अंक में हमारा 10 लगा है 22.5 22.5 हमारा आ गया, और हम लोग का यहाँ 11.5 11.25 चलो तो सही है, कहाँ चला गया 5 5 25 5 हथियार 2 5 5 5 2 10 2 12 2 हथियार 5 2 10 1 11। ठीक, 2.5 ये भी आया हमारा 11.25 सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया था लिखने में ये वाला पॉइंट,
इसलिए बैलेंस नहीं बनना था इक्वेशन हमारा, हम लोग का यहाँ पे हम लोग का कितना था 25 है, हमारा यहाँ पे 11.25 है, ये वाला 11.25 आया था ना, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे भी हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 22.5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारी क्या है एब्जॉर्ब पावर, मतलब ये एब्जॉर्ब पावर मतलब खपत पावर, ये हमारी इतनी है, ये कितना है 22.5 है, और हम लोग के द्वारा डिलीवर पावर कितनी है, डिलीवर पावर भी कितना है 22.5 वाट है, ठीक, ये भी है। तो हम लोग को यहाँ का पता चला कि यहाँ से जो पावर हमें बन के जा रही थी, जितनी पावर यहाँ से चली और उतनी और फिर हमारी जितनी पावर यहाँ पे क्या हुई एब्जॉर्ब की हुई, दोनों पावर क्या थी बराबर थी, मतलब दी गई पावर बराबर ली गई पावर, मतलब हमारे यही टेलीग्राम थ्योरम उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट हमारा वही था कि दी गई पावर में डिलीवर पावर इज इक्वल टू, डिलीवर पावर इज इक्वल टू हमारा एब्जॉर्ब पावर। तो डिलीवर पावर हम लोग की कितना आ गई है यहाँ पे 22.5 वाट आ गई है, और एब्जॉर्ब पावर भी हमारी कितने है 22.5 वाट आई है, ठीक। तो हम लोग क्या दिए इस तरह से हमारा क्या होता है टेलीग्राम थ्योरम हमारा क्या होता है प्रूफ होता है। लिमिटेशन इसके कह के हमारा क्या होता है ये टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लीनियर नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल बाईडायरेक्शनल, ये सब पे फॉलो होता है, ठीक। ये हमारा जो टेलीग्राम थ्योरम होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक, पावर कंजप्शन लॉ, ठीक या ठीक। ये हमारा एक तरह से हमारा ये हो गया टेलीग्राम थ्योरम, हम लोग इसके विषय में देख लिए, इसका स्टेटमेंट इनका देख लिए, इनको प्रूफ भी कर लिए, ठीक, इनको प्रूफ भी कर लिए। तो हमारा क्या हो गया इस तरह से हम लोग का टेलीग्राम थ्योरम क्या होता है फिनिश होता है। फिर हम आगे इसके हम लोग कुछ न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, ठीक, धन्यवाद।